नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपडेट हेल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपने मोबाइल से वेस्टिज में हम जो है अपना बैंक का पैन कार्ड और पासबुक कैसे अपडेट करते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास एक क्वायरी जा रहा था कि कैसे हम जो है खुद से बैंक का पैन कार्ड और पासबुक जो है अपडेट कर ले, ताकि हमारा वेस्टिज का जो बोनस चेक है, बोनस अमाउंट है, वो सीधे हमारे बैंक में आ जाए। तो आप अब जो है इस सिस्टम से जो है अब आपको बैंक का पासबुक या चेकबुक और पैन कार्ड जो है मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से अपडेट कर लोगे और विद इन 7 डेज जो है आपका पासबुक और या चेकबुक और पैन कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा और जो भी आपका बोनस है सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपलोड करते हैं या कैसे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे जो है www.mywestige.com जो है ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अंदर का इंटरफेस ऐसा आएगा, ये साइट ओपन होगा। ऐसे इस साइट के बाद जो है इस यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपको इस यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। ये क्लिक किया हमने, यहाँ पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालोगे। यहाँ पर आईडी डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं। मैं किसी और की आईडी ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल न्यूली बंदा है, नया पर्सन है। 50 ये हमने आईडी डाल दिया, अब हम पासवर्ड डालते हैं। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन ऐसे इससे आप डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको जाना कहाँ है सो देखिए। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो है क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा बैंक पैन रिक्वेस्ट है, इससे ये जो है यहाँ पर बैंक पैन रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। एक तरफ जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है पैन कार्ड का पोर्शन है और राइट हैंड साइड में पासबुक या चेकबुक का पोर्शन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम देखते हैं। तो इस पोर्शन में क्या क्या करना है, तो देखिए कुछ चीज़ जो है ऑलरेडी फील्ड आएगा, जैसे कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है, जो आपका आईडी है वो फील्ड आएगा, नाम ऑलरेडी फील्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए ये पैन नंबर है, इस वाले पोर्शन में जो है आपको पैन नंबर डालना है, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद फिर जो है ये अपलोड पैन डॉक्यूमेंट्स, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको क्लिक करोगे तो वो आपके अंदर जो है ना गैलरी में चला जाएगा, जहाँ पर पैन कार्ड का फ़ोटो होगा। अब आप इस पोर्शन को जो आप क्लिक करोगे, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये गैलरी आ गया। इस गैलरी में जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा उस फोटो को चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आप जो है अपलोड की ओपन कर लीजिएगा। डन करने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ना सेव पैन पे जो है क्लिक करना है। सेव पैन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्शन में जो है यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा अभी तत्काल, जब तक कि, और ये विद इन 7 डेज जो है ये आपका पैन कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपका पेंडिंग जो है ख़त्म हो जाएगा और अप्रूव्ड आ जाएगा यहाँ पे। सेम ऐसा ही सेकेंड वाले राइट हैंड साइड वाले पार्ट में चलते हैं, जहाँ पर बैंक का पोर्शन है। तो इस वाले में देखिए कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर IFSC कोड भरना है इस वाले पार्ट में। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में जो है बैंक का नाम भरना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना है, यहाँ पर फिर दोबारा फिर यहाँ पर जो है आपको री इंटर करना है यहाँ पर, देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, बैंक का नाम, IFSC कोड जैसे ही डालोगे आप, बैंक का नाम खुद से आ जाएगा और ब्रांच नेम खुद से आ जाएगा। जो पीला वाला पार्ट है उस पार्ट को आपने सिर्फ भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, री इंटर अकाउंट नंबर, आपको दोबारा जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर फिर से फिल करना है, ठीक है।
और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद पुनः जो है इस वाले पार्ट को जो है आप क्लिक करोगे तो जहां पर आपका ऑलरेडी मोबाइल में फ़ोटो खींच करके रखा हुआ है चेकबुक का या पासबुक का, उसको चूज कर लेना है और ओके करने के बाद जो है ये यहां पर अपलोड हो जाएगा। इस वाले पार्ट में जो है ये अपलोड हो जाएगा, यहां पिक्चर आ जाएगा उसका, ठीक है। पिक्चर आने के बाद यहाँ पर अभी भी इस वाले पार्ट में यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग दिखाने के बाद जो है पेंडिंग दिखाएगा अपलोड, आप उसके बाद जो है अब आपको जो है इस वाले पोर्शन को जो है ज़रूर क्लिक करना है सेव बैंक को। अगर क्लिक नहीं करोगे तो ये अपलोड जैसे ही आप बैक जाओगे वो जो है अपलोडिंग ख़त्म हो जाएगा, तो इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा कि सेव बैंक पे ज़रूर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव बैंक क्लिक कर दिया, अब आपका जो है इधर पैन कार्ड जो है आपका सेव हो जाता है और इधर जो है पासबुक सेव हो जाता है, तत्काल वो पेंडिंग में रहता है। आफ्टर ए वीक आप इसको देखोगे तो ये अप्रूव्ड हो चुका होगा आपका, और अप्रूव्ड होने के बाद आपका जो है सीधा पेमेंट जो है जो आपका बोनस चेक आएगा, बोनस आएगा वो सीधा आपके बैंक में जाएगा। आपको अब जो है कंपनी को पैन कार्ड या फिर जो है पासबुक ये मेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। और आप अपने डाउनलाइन जो नए बंदे आते हैं उनको भी ये चीज़ सिखाओ, और जिस दिन आप ज्वाइनिंग करो ज्वाइनिंग के अगले दिन चाहो तो आप इसको सेव कर लो ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आपका 100 रुपया भी जो है अमाउंट हो तो आपके सीधे बैंक में आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तक 100 रुपया से नीचे जो है आपके बैंक में नहीं जाता है, मिनिमम 100 रुपीज़ का अमाउंट जो है आपके बैंक में जाएगा या उसका जो है वाउचर आता है। अगर आप बैंक और पैन अपलोड नहीं करते हो तब तक आपके मोबाइल पे वाउचर आता रहता है, जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा आपका ये सीधा आपके बैंक खाते में जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी से काफ़ी लाभ मिलेगा, और आपका जो भी क्वायरीज था जो बार बार आता था वो पक्का है कि आपको इससे जो है बेनिफिट मिलेगा, और आप अपने डाउनलाइन को ये सुविधा दे दोगे, देने के बाद जो है वो भी अपना जो है बैंक और पैन जो है खुद से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप जो है अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, और ताकि आपको वेस्टेज में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं।